नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफलाइन विद सिल्वी। और आज हम बनाएंगे नवरात्रा स्पेशल साबूदाना टिक्की। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपके? और नवरात्र के व्रत चल रहे हैं तो नवरात्रों में मुझे स्पेशली पर्सनली बहुत पसंद है नवरात्र का खाना। और नवरात्र में मैं बनाने जा रही हूँ, आज मेरा है स्पेशल नवरात्र की साबूदाना टिक्की, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा 400 ग्राम उबला हुआ आलू। ये मैंने बॉईल करने से पहले 400 ग्राम देखा था, फिर इसको बॉईल किया है। 100 ग्राम मेरा साबूदाना है, मतलब 1:4 रेशो होती है, 4 टाइम्स होता है हमारा आलू और 1 टाइम होता है मेरा साबूदाना। इसका मैं प्रॉपर प्रोपोर्शन आपको बताऊंगी भी, उससे पहले मैं बताना चाहूंगी मसाले हैं लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, सेंधा नमक अपने स्वाद अनुसार, काली मिर्च 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच अमचूर, 1/2 चम्मच जीरा, कटा हुआ हरा धनिया, कटी हुई हरी मिर्च 1 एंड 1/2 टीस्पून ऑफ सौंठ, जिसे हम अदरक पाउडर भी कहते हैं सूखा हुआ। आप इसमें से ये आप स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट ये बहुत ही डिलीशियस बना देता है। तो तैयारी के लिए क्या चीज जरूरी है साबूदाने के लिए मैं बताना चाहूंगी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि साबूदाने को हमने धो दिया अच्छे से, उसका वो पानी स्ट्रेन करके हमने बराबर मात्रा में ही पानी में इसको भिगो के रख देना है। मतलब आधी कटोरी साबूदाना थी तो 1/2 कटोरी पानी में मैंने इसको भिगो दिया है। इससे क्या होगा कि ये सारा पानी चूस लेगा, इसमें बच्चा कोई भी पानी नहीं रहेगा कि ये फूल जाएगा। फिर साबूदाना हो गया हमारा 1:4 एज पर आर पोटेटो। कई बार हमने देखा है कि हमारा ना ढीला हो जाती है टिक्की, कभी बनती नहीं है या बिल्कुल भी अच्छी मतलब टेस्टी नहीं बनती है, कभी टूट जाती है। तो मेन क्या प्रॉब्लम आती है, तो एक तो यहाँ तो आलू में जैसे ही आपने विसल दिलाई, हमने इसे बॉयल ऐसा किया है कि 7 विसल के आसपास इसमें लगी है। मैंने नाइफ डाल के ऐसे देखा, इसमें मैंने नाइफ लगा के देखा था ऐसे, ये बिल्कुल सॉफ्टली जाके और क्लीन वापस आ रही थी, तो इसका मतलब मेरे आलू हो गए थे। तो मुझे उसी टाइम इसको स्ट्रेन कर देना है, उसको पानी में नहीं रहने देना है, उससे भी ये ढीले हो जाते हैं आलू। फिर साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि स्ट्रेन होने के बाद, बिल्कुल ठंडा होने के बाद इसका मिक्सचर तैयार करना है। ये गर्म है तब भी ये पानी छोड़ जाएंगे, आपको पहले नहीं बनाना है, पूरा ठंडा होने के बाद ही इसको बनाएंगे रूम टेम्परेचर पे। ये नहीं कि आपको रेफ्रिजरेट करना है, लेकिन इसमें से पूरा वार्मथ निकल जाना चाहिए। और साबूदाने की तैयारी में भी यही है कि पानी अगर ज्यादा होगा तो वो ढीला हो जाएगा, कम होगा तो साबूदाना हमारा कच्चा। तो हमें क्या करना है कि मैंने आपको बताया 1/2 कटोरी था साबूदाना और 100 ग्राम्स, यू कैन से मैंने 400 ग्राम्स ये 100 ग्राम्स ये लिया। नहीं तो प्रोपोर्शन में क्या है कि 2 कटोरी मेरे आलू आएंगे और 1/2 कटोरी मेरा साबूदाना था। तो इसको मैंने 1/2 कटोरी पानी में मैंने इसको रख दिया भिगा के, कम से कम 1 से 1.5 घंटा करना है, मैंने हो चुके हैं ऑलमोस्ट 3 आवर्स। ये जितना भीगा रहेगा उतना सॉफ्ट और उतनी टेस्टी बनेगी हमारी टिक्की। और ये देखिए इसमें बिल्कुल पानी बिल्कुल इसमें से एब्जॉर्ब कर लिया इन्होंने, जरा सा भी इसमें पानी नहीं रहा है, हमें रहने भी नहीं देना है। अगर जरा सा भी रह जाता है तो हम उसे स्ट्रेन कर देंगे और ये बहुत ही टेस्टी और लजीज बनेगी। आइए हम बनाते हैं अपनी मिक्सचर पहले और फिर बनाते हैं टिक्की। मिक्सचर बनाने के लिए सबसे पहले मैं ऐड करूंगी अपने आलू और इनको कर लूंगी पहले तो मैं मैश। ये देखिए ये मैंने मैश करके रखे हुए हैं आलू। अब इसमें हम ट्रांसफर करेंगे अपना साबूदाना। मेरे साबूदाना में हल्का सा पानी था तो मैंने उसको स्ट्रेन कर दिया है। आपको लगे कि ये थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट हो रहा है, कि ज्यादा आपकी अच्छे से शेप नहीं ले पा रही है आपकी टिक्की, तो आप इसमें कुट्टू का आटा भी डाल सकते हैं। लेट्स सी अगर हमें जरूरत पड़ती है तो। मैं सारे अपने मसाले भी ट्रांसफर कर दूंगी इसमें, धनिया हरी मैंने सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। और इसे हम देंगे अच्छा सा स्टर, आप हाथ से भी कर सकते हैं अच्छे से बाइंडिंग देने के लिए, अदरवाइज ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आइए अब हम बनाते हैं अपनी टिक्की। ये देखिए थोड़ा सा आटा लेके मैंने इसको प्रॉपर शेप दे दिया है टिक्की का, ये देखिए शेप दे दिया मैंने इसे टिक्की का।
ऐसे ही हम अपनी सारी टिक्की बना लेंगे। ये देखिए मैंने अपनी सारी टिक्की शेप दे दी है अपने मिक्सचर की, और इसमें मेरी बनी है 12। आपकी कमियां ज्यादा बन सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर शेप और अपनी टिक्की। जिसको मैंने स्टार्ट करना है तेल गर्म करने से, मैं कर रही हूँ मीडियम तेल के साथ, ना बहुत ज्यादा है ना कम है। और मैं बताना चाहूंगी अगर आप उसी टाइम नहीं भी बना रहे हैं टिक्की तो उसको फ्रिज में रख दीजिए, बनाने से 10 मिनट पहले बाहर निकाल दीजिए। अभी मीडियम तेल गर्म होता है, बहुत तेज भी जलता हुआ नहीं होना चाहिए। डालेंगे और अभी थोड़ा जब तक एक साइड नहीं होती है हम इसको टच नहीं करेंगे, नहीं तो ये टूट सकती है। तेज सेक पे करनी है। अब मैंने साइड बदल दिया है, अब हमें बिना टच किए इसको हमें इसे 5 से 7 मिनट गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी करके फिर हम निकाल लेंगे। चेक कर लेंगे हम अपनी टिक्की को। अब हम इन टिक्कीज को निकाल के टिश्यू पेपर पे पहले निकालेंगे और फिर हम करेंगे इसको सर्व। तैयार है हमारी साबूदाना टिक्की और हम इसे सर्व कर सकते हैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रॉम आपकी दोस्त।